टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे कि टेकिला शॉट्स को कैसे पीते हैं। टेकिला शॉट को पीने के लिए जैसे कि लाइम चाहिए, सॉल्ट चाहिए, जो मैं ऑलरेडी रेडी करके रखा हूं, और हम लोगों को सबको पता है कि लाइम सॉल्ट से टेकिला पिया जाता है, शॉट से पिया जाता है, टेकिला शॉट्स है ना। बट हम लोग जानते नहीं है कि किस सीक्वेंस से टेकिला शॉट को पीना है। मतलब क्या पहले टेकिला पीना चाहिए उसके बाद लेमन और सॉल्ट, ना कि पहले सॉल्ट उसके बाद लेमन उसके बाद टेकिला? मतलब कैसे, कौन सा इंग्रेडिएंट्स को पहले हम लोग लेंगे उसके बाद टेकिला को लेंगे, या क्या क्या करेंगे? मैं देखा हूँ बहुत को प्रॉपर सीक्वेंस मालूम नहीं है कि कैसे टेकिला पीते हैं, तो ये क्विक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे टेकिला को पीते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है गोल्ड टेकिला है और यहाँ पर है सॉल्ट एंड लाइम। तो चलिए मैं क्या करना होगा आपको पहले दिखा देता हूं। पहले यहां पर एक तो लेमन को आपको रब करना होगा ऐसे, और जैसे रब कर लिया तो फिर आपको क्या करना है, यहां पर सॉल्ट देना पड़ेगा ऐसे। थोड़ा सा दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, ठीक है। ये हो गया सॉल्ट। अब लेमन को कैसे पकड़ना है, ये देखिए ऐसे, जो लेमन को आपको स्क्वीज करना है आपको ऐसे पकड़ना है। यहां पर सॉल्ट हो गया, यहां पर लेमन हो गया, ऐसे आपको आपका हैंड को तैयार करना है, हाथ को तैयार करना है, और दाहिना हाथ में मतलब राइट हैंड साइड में आपका रहेगा टेकिला। तो कैसे पियेंगे, बहुत सिंपल है। पहले आपको सॉल्ट को लीक करना पड़ेगा, सॉल्ट। तो ये रहा सॉल्ट, मैं इसको लीक करूंगा ऐसे, फिर टेकिला, अब लेमन, क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों के लिए, शॉट पीना पड़ता है, क्या क्या करना। तो ऐसे एंजॉय किया जाता है टेकिला को, मतलब ऐसे ही टेकिला को पिया जाता है। यह है प्रॉपर ड्रिंकिंग सीक्वेंस टू एंजॉय योर टेकिला। अब क्वेश्चन आता है कि लेमन सॉल्ट के साथ ही क्या टेकिला को पीना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल नहीं। हमेशा हर एक टेकिला के साथ लेमन सॉल्ट नहीं सर्व होता है। जो यू नो एक्सपेंसिव टेकिलास होता है वो मोस्टली 100% ब्लू अगावे से बनता है, और जो 100% ब्लू अगावे से बनता है उनको आप यू नो आराम से इत्मीनान से पी सकते हैं, उसमें लेमन सॉल्ट डालने का जरूरत नहीं है। चीप टेकिला के लिए लेमन सॉल्ट को इस्तेमाल किया जाता है, और ये क्यों करते हैं, क्योंकि टेकिला में 40% अल्कोहल होता है, और जब आप डायरेक्टली उसको गल्प करते हो तो बहुत हर्श एक इफेक्ट आता है आपका यू नो थ्रोट में। तो जैसे ही आप सॉल्ट को लीक करते हैं तो थोड़ा देर के लिए आपका जो यू नो टंग है वो थोड़ा नम हो जाता है, और जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग टेकिला को यू नो गल्प करते हो और वो जो हर्शनेस है वो जब आपका थ्रोट को छूते हुए नीचे की तरफ जा रहा है उसको भुलाने के लिए जैसे आप लेमन को माउथ में स्क्वीज करते हो तो थोड़ी देर के लिए माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है वो जो लेमन का खट्टापन है उसकी तरफ। तो ये जो सीक्वेंस आपको भुला देता है थोड़ी देर के लिए, ये जो हर्श इफेक्ट है उसको भुला देता है थोड़ी देर के लिए। तो इसीलिए इस प्रैक्टिस को अप्लाई किया जाता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।